अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केट हैदराबाद का जो आदेश आया है उसके बारे में। दोस्तों, केट हैदराबाद का जो आदेश था कि जो GDS रिपोर्ट है उसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए, इसको लेकर बहुत से ग्रामीण डाक सेवक हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो इस रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद जो GDS को एरियर कितना मिलने वाला है, और जो पहले जो विभाग ने जो एरियर कैलकुलेशन में जो गलतियाँ की थी उनको क्या दुरुस्त किया जाएगा। दोस्तों, हम तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से ग्रामीण डाक सेवक यह भी कमेंट कर रहे हैं क्या डिपार्टमेंट इस आदेश को मानेगा, तो उन तमाम प्रकार की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि GDS को जो एरियर मिलने वाला है उसके बारे में, तो एरियर का कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पूरा एरियर का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना एरियर आपको मिलना चाहिए वो तमाम जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हम इतना घूमा फिरा के बात नहीं करेंगे, तो कुल मिला के कितना एरर बन रहा है वो तमाम जानकारी हम आपको बता दें। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, GDS रिपोर्ट 1/1/2016 से लागू होती है, तो जो वर्तमान में GDS रिपोर्ट लागू की गई है वह 1 जुलाई 2018 से की गई है, यानी कि 30 महीने का एरर बनता है। तो इसका सीधा कैलकुलेशन करके ऊपर बताया गया है। तो इसमें जो GDS को जो मिलने वाला है, यानी कि जिनकी 5 घंटे ड्यूटी है और जिनका बेसिक पे है 14,500 है, उनको कितना जो एरर मिलने वाला है वह हम आपको बता दें। उनको जो एरियर मिलने वाला 1,26,180 रुपये मिलने वाले हैं एरियर, जिनका बेसिक पे 14,500 है। अभी वर्तमान में GDS रिपोर्ट लागू होने के बाद उनका जो एरियर बनता है वह 1,26,180 रुपये बनता है। इसके अलावा हम दूसरे जो GDS जिनका TR से सबसे कम है, यानी कि कम से कम GDS BPM कोई सा भी लेवल हो, उसको कितना जो एरियर मिलने वाला है वह हम आपको बता दें, 84,720 रुपये। दोस्तों, आप स्क्रीन पर तमाम जानकारी आप देख पा रहे हैं कि जो GDS को जो इस रिपोर्ट को जब 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा तो GDS को जो एरियर मिलने वाला है वह 84,700 रुपये कम से कम मिलने वाला है, और अधिकतम 1,26,180 रुपये मिलने वाला है। बट जो डिपार्टमेंट ने अभी वर्तमान यानी पहले जो एरियर दिया था वह बहुत ही कम दिया था, यानी 15 से 30 हज़ार रुपये ही एरियर दिया था ग्रामीण डाक सेवकों का। और दोस्तों, हम आपको बता दें, बहुत से GDS जो हमें कमेंट करके पूछे थे क्या डिपार्टमेंट इस आदेश को मानेगा, तो दोस्तों आदेश को मानना तो चाहिए, बट जो डिपार्टमेंट ग्रामीण डाक सेवकों का कभी भला नहीं चाहता, तो वह इस आदेश को आगे चुनौती देने वाला है। इतना सीधे सीधा डिपार्टमेंट इसको नहीं मानने वाला है। हम आपको सही सही बता दें कि डिपार्टमेंट इस आदेश को आगे चुनौती देने वाला है, तो इसमें कुछ देरी हो सकती है, बट बहुत जल्दी इस आदेश को डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। और दोस्तों, एक जानकारी और मैं आपको और बता दूं, आज 2 अक्टूबर है, और दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से सभी ग्रामीण डाक सेवकों से आग्रह किया गया था कि आप ट्विटर पर जाकर जो ग्रामीण हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक हैशटैग के साथ PM मोदी को और जो संचार मंत्री थे उनको टेक करके जो ग्रामीण डाक सेवकों के 8 घंटे ड्यूटी का मामला उठाइए। पर दोस्तों, अभी तक देखा गया है कि जो बहुत कम ट्विटर पर किए गए हैं ग्रामीण डाक सेवकों की तरफ से, तो एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये आज़ादी यानी ग्रामीण डाक सेवकों के विभागीकरण का मामला है, दोस्तों आप ट्वीट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय GDS।